अभी हम गया में NH-83 पे खड़े हैं और सबसे पहले इस हाईवे को आप देखिए, उसके बाद सुबह सुबह ये भयानक तस्वीर मैं आपको गया के NH-83 से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक हाईवा है और एक बस है, और किस तरीके हाईवा और बस दोनों जो है NH-83 से सीधा नीचे गड्ढा में चला गया, ये पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये NH-83 है, कल रात को ये बस जो है 50 यात्रियों को लेकर के गया से खुली थी और ये बस गया से सीधा कोलकाता के लिए रवाना हुई थी। रवाना तो हो गई, लेकिन गया शहर से जैसे 12 किलोमीटर की दूरी पे ये बस यहाँ पे पहुंची, उसके बाद रॉन्ग साइड से ये हाईवा जो है इसी लेन में रॉन्ग साइड से आया, और रॉन्ग साइड से आने के वजह से हाईवा की ड्राइवर ने इतनी भारी गलती किया कि बस को इतना जोरदार टक्कर मारा कि सामने का तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ड्राइवर की गलती के वजह से इस बस में सवार सभी लोगों की जान जा सकती थी। यह घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन संयोग की बात यह थी कि टक्कर इतना जोरदार तो हुआ, दोनों गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए, लेकिन उस घटना में केवल बस का ये कंडक्टर जो है मौत के घाट उतर गया, और बस के कंडक्टर की जो मौत हुई उसकी कहानी आप समझिए। टक्कर के बाद कंडक्टर का धड़ जो था, मतलब गर्दन से नीचे का जो भाग था, वो बस में ही फंसा रहा, जबकि ऊपर वाला जो भाग, जो सर था, वो इसी हाईवे पे गिरा हुआ था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। उसके बाद देखिए ये नजारा, ये तस्वीर क्या हो गया, हाईवा वाले ड्राइवर कंडक्टर सब गाड़ी छोड़ के फरार हो गए। हाईवा पे गिट्टी लोड है और बस में 50 यात्री सवार थे, लेकिन संजोग कहिए कि 50 लोगों में से केवल कंडक्टर की जान गई, बाकी कुछ लोग जो है घायल अवस्था में पाए गए। तुरंत प्रशासन की मौजूदगी हुई और सभी ने यहाँ से सभी लोगों को व्यवस्थित करके इलाज में अस्पताल के लिए भी भेज दिया। बाकी रात्रि 10 बजे की यह घटना है, अभी सुबह के 9 बज रहे, जैसे हमें पता चली फिर हम वीडियो बनाने के लिए आ गए, बताने के लिए आ गए, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? सुबह सुबह इतनी बड़ी भयानक घटना देखकर दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग क्या चलेगा कि रोड पे चलने पर आदमी को सतर्क तो चलना चाहिए और देखकर चलना चाहिए। दोनों में किसकी गलती लगती है आपको? गलती तो प्योर हवा का ही है, ये तो रॉन्ग साइड से हवा आया तो हवा तो ट्रक बेचारा अपना जा रहा था पैसेंजर लेकर के, रॉन्ग साइड से हवा आया और हवा करके जो इसमें टक्कर मारा है, और दोनों गाड़ी साथ में बचाने के चक्कर में नीचे चला गया। कितने लोगों की मौत हुई है? मौत तो एक ही लोग का पता चल रहा है। बाकी बस में कितने लोग सवार थे? बस में करीब 60 के आसपास होंगे, 60 के आसपास लोग सवार थे। एक कंडक्टर की केवल मौत हुई है, कंडक्टर की मौत। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं। इतना बड़ा सड़क दुर्घटना कभी देखे थे? नहीं सर, नहीं देखे थे कभी, नहीं। हाँ, सबसे बड़ा दुर्घटना देखे हैं। अगर बस वाले बचाते नहीं तो कितने लोग मर जाते हैं? 10-20 मर जाते हैं, लेकिन बस वालों ने बचाया। गलती किसकी है इसमें? हाईवा की गलती है। कितने बजे की घटना है? 9 बजे के आसपास की घटना है। बाकी यहाँ पे स्थानीय लोगों का पूरा जमावड़ा है, तस्वीर आप दिखाइए। जिन जिन लोगों को इस घटना के बारे में पता चला सभी लोग आ रहे हैं, और बस में जिन जिन परिवार के लोग भी सवार थे वो सभी लोग जो अपने परिवार वालों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे रात्रि से यहाँ पे लोगों का तांता लग रहा है। लेकिन एक्सीडेंट जो है कितना भयानक था इसका तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। देखिए किस तरीके से यह हाईवा और बस जो है दोनों एक दिशा में घुमा और NH-83 से सीधा गड्ढे में दोनों चले गए। बाकी अब तक के लिए इतना ही, आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारी प्रयास घायल लोगों से भी बातचीत करने की होगी। आगे जो भी इस मामले में नया अपडेट आएगा वो हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।